और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस सीजन 2 के लिए। थैंक यू सो मच। जानना चाहूंगा ये कि किस तरीके से नजर आने वाली है इस बार आप सीजन 2। इंदु ये टाइम इंदु की अलग ही कहानी चल रही है, ये रिवेंज है, कुछ और मुसीबतें। इनफैक्ट हर मोड पे यहाँ पर इंदु की लाइफ में मुसीबत है, हर मोड पे, हर लाइक एक एपिसोड ख़त्म नहीं होता है कि उसकी दो दो मुश्किलें आ जाती हैं। हाउ शी हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम ऑल दीज मुश्किलें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी थी उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, अब हस्बैंड नहीं, तीन बच्चे, एक न्यूबॉर्न चाइल्ड। पर्सनली एज रिचा, इंदु हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी कि किस तरीके से मुसीबतें आई हैं और उसने उनको पार करके भी शी हैज़ मैनेज्ड टू गेट व्हाट शी वांट्स फॉर हर सेल्फ एंड हर फैमिली। तो इंदुज जर्नी इस सीज़न 2 में काफ़ी ग्रिपिंग है, काफ़ी थ्रिलिंग है एंड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ ड्रामा। सो सीजन 2 में आई हैड टू कीप द सेम इमोशन, क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो तो वही थी, सीजन 1 की ही इंदु है, बट सिर्फ मुश्किलें बढ़ गई है। और क्या होता है, हर मोड पे जब तुम इतनी मुसीबतों का सामना करते हो ना, यू बिकम वेरी स्ट्रांग, यू बिकम वेरी, मतलब बाय द एंड ऑफ 10th एपिसोड उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, अब कोई मर भी रहा है सामने, क्योंकि बहुत देर चुकी है। तो सीज़न 1 जो एक घरेलू CRPF ऑफिसर की वाइफ, अच्छा घर चंडीगढ़ में, बच्चे हैं, वो सब चेंज हो गया है, वो इतनी थिक स्किन, इतनी डीट हो गई थी भाई सीज़न 2 के एंड में। सो आई जस्ट लव द ग्राफ कि एक नॉर्मल ज़िंदगी से तुम्हारी एंड तक जो इतनी मुश्किलें आती हैं, एंड हाउ यू चेंज, यू डोंट चेंज एज अ पर्सन बट लाइफ मेक्स यू चेंज। सो या क्या रिएक्शन था आपका जब हम जो ये कहानी सीज़न 1 की आप तक पहुंची, फिर सीज़न 2 की आप तक पहुंची, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? तो एक्चुअली जब मैंने मुझे जब उन्होंने बोला कि सीज़न 2 बना रहे हैं, आई सेड बट मेरा तो हस्बैंड भी मर गया, अब मैं क्या करूँगी, दिस इज नहीं। एंड देन व्हेन आई हैड अ रीडिंग, आई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, लाइक इंदु की एक अलग ही जर्नी यहाँ पर चल रही है, प्लस वो रिवेंज, प्लस इतनी प्रॉब्लम्स, एंड वो समहाउ इंदु हैज़ गॉट इन्वॉल्व इन एवरी प्रॉब्लम ऑफ भीषण खोसला। अब भीषण खोसला की हर मुसीबत भी उसी की प्रॉब्लम हो गई है, नॉट लाइक शी प्लान्ड इट, बट हो जाती है, कैसे सिचुएशंस ही इतने ऐसे बताए गए हैं। एंड जो हमारे अभी सीजन 2 में वी हैव न्यू कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर का कैरेक्टराइज स्टोरी अलग ही है, ग्राफ अलग है, सबका ग्राफ अलग है, बट सब इंटेंगल्ड कैसे हो जाते हैं एक ही मेन स्टोरी में, सो ये बताया गया सीजन 2 में। जिस तरीके से आपने बताया कि इस कहानी में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ गए, पोजीशन भी आ गई, या एंड और भी काफी नए कलाकार हैं जो जुड़ रहे हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद देम, किस कितना अलग मजा आया एंड कितना कैसा एक्सपीरियंस? सो पहली बात तो ये है, वी हैड ग्रेट एक्टर्स ऑन बोर्ड, राइट फ्रॉम सीनियर एक्टर्स टू यंग टैलेंट थे, रॉ सीनियर एक्टर्स हैड एक्सपीरियंस, सो टुगेदर वी हैव रियली हैड ग्रेट केमिस्ट्री, राइट फ्रॉम गुलशन जी टू माही गिल टू मीता जी एंड जीशान, हु ब्रॉट हिज ओन कैरेक्टर अलाइव, यू नो दीज आर न्यू कैरेक्टर्स, फॉर देम टू मेक अ प्लेस अमॉन्ग आस हु आर ऑलरेडी established ourselves as characters, it has been amazing, they are fantastic actors, plus एक स्टोरी में घुसना और एक स्टोरी के अंदर इवॉल्व हो जाना, ऑल दीज एक्टर्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, द न्यू एक्ट, द न्यू कैरेक्टर्स दैट हैव बीन ब्रॉट इन। जो प्रेशर होता है कि मतलब जब किसी भी सीरीज में या कोई भी फिल्म में जब इतने बड़े बड़े कैरेक्टर हो और मतलब कि हमारा कैरेक्टर थोड़ा ओवरशैडो हो जाएगा कि हम नहीं दिखाई देंगे, और उस कैरेक्टर के बीच में भी हमको अपने होने का एहसास कराना है, तो वहाँ कितना प्रेशर होगा? सो योर ऑनर सीजन 2 में या सीजन 1 देखो, हर कैरेक्टर का किरदार एकदम अलग है, इट हैज़ नथिंग टू डू, अभी मीता जी एक पुलिस ऑफिसर है, मैं एक CRPF ऑफिसर की वाइफ हूँ, मेरा लुक अलग है, मेरा कैरेक्टर अलग है, उनका स्टोरी अलग है, उनका कैरेक्टर अलग है, सो वी नेवर फेल्ड कि वी आर ओवर शैडोइंग ईच अदर, वी वर ओनली अ सपोर्ट सिस्टम टू इन्हांस ईच अदर्स परफॉर्मेंस। तो हमें हर मोड पे ऐसे लगा ही नहीं कि अरे ये मेरे को ओवर शैडो कर देगी, इनफैक्ट हमारा जब सीन सब साथ में होता था, हमें मज़ा आता था कि चलो एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे के परफॉर्मेंस को मैनिफेस्ट करते थे, सो इट वॉज
It's been a fantastic journey. The best part is our script. Our script has characters that are edged. एक एक का character अलग तरीके से लिखा गया है, उनका अलग तरीके से बताया गया है कि ऐसे कभी नहीं लगता था कि we are trying to overshadow each other. Anyone, whether the male actors, the young actors, the female other co-actors, कभी नहीं. इस season की अगर बात करें तो क्या अलग नया और देखने को मिलेगा? जिस तरह की कहानी पे जो continue चली रही है, जो एक बाप और बेटी की कहानी है, किस तरीके की कहानी? So एक season two में क्या नया देखने को? सो सीजन टू में एक बाप बेटे की तो कहानी चली रही है, दैट इज़ देयर, दैट इज़ योर मेन क्रस्ट ऑफ द स्टोरी. बट उसके साथ में वी हैव न्यू एक्टर्स हु आर द न्यू एडेड विलन्स, द एंटागोनिस्ट. सो उनके साथ में जो सारी स्टोरीज इंटेंगल्ड होती है, मेरी अलग ट्रैक है, फादर सन का अलग ट्रैक है. सो सीजन टू हैज़ अ लॉट मोर ड्रामा, थ्रिलिंग एक्सपीरियंसिस ऑफ, मतलब मैं तो बहुत ही सच्ची में रोंगटे खड़े हो गए थे हमारे शूट करने के टाइम. आई डोंट नो हाउ द ऑडियंस इज गोइंग टू सी इट. आई वोंट से देयर इज टू मच वायलेंस, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा. हर मोड पे यहाँ पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है. सॉरी आई डिडंट हियर. हाँ, तो वैसे आई वॉज इन द कैरेक्टर बिकॉज हमने सीजन वन किया था. बट बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती है इंदू की लाइफ में, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो उसका उसके प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं और वो प्रॉब्लम्स के साथ वो कैसे ग्रो हो रही है. सो दैट आई हैड टू अंडरस्टैंड, यू नो, कि अब वो सेम इंदु नहीं रही जिसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी सीज़न वन की. सो आई हैड टू मेंटली टेल माई सेल्फ दैट शी इज़ इंदु फ्रॉम सीज़न वन बट विथ प्रॉब्लम्स, एंड हाउ इंदु हैज़ ग्रोन आउट ऑफ ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. सो उस तरीके से आई हैड टू कीप इंदु इन माइंड, बट आई हैड टू अंडरस्टैंड जो सिचुएशन लाए गए उसके साथ. हमने बहुत मज़ा आया क्योंकि ही हैज़ अ बॉडी ऑफ वर्क विद अ बॉडी ऑफ एक्सपीरियंसेस. उनके हर एक्सपीरियंसेस सुन के, एंड ही वाज सो प्रोफेशनल. हम चाहे बैठ जाते थे बट वो खड़े होके लाइक नहीं शॉट रेडी हो जाएगा, मैं तो तैयार हूँ. यू नो, वी ओनली लर्न. वी कोई ऐसे ही नहीं एक्सपीरियंस एक्टर्स होते. यू लर्न, यू नो, वेदर इट इज़ फ्रॉम जिमी, वेदर इट इज़ फ्रॉम गुलशन जी, माही गिल, मीता विशेष, दे आर, एवरीबडी हैज़ बीन सीजनड एक्टर्स थ्रू प्रोफेशनल्स. एंड आई वॉन्ट, ओके, लेट्स नॉट कीप देम असाइड. रॉ टैलेंट भी है, पुलकित है, कुंज है. सो हमने साथ में मिल के ना एज अ टीम वी हैव वर्कड वेरी वेल. द रॉ टैलेंट, द न्यू टैलेंट, द नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर, सो सब मिल के, एंड द स्क्रिप्ट बींग द मोस्ट पावरफुल थिंग वी हैड विथ अस, वी हैव जस्ट इमर्ज्ड वेरी वेल विथ ईच अदर. हाँ, मैंने सीजन वन देखा बट सीजन टू मैं चाहती नहीं देखूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रिंग माई ओन फ्लेवर. क्या होता है, वेन यू सी द ओरिजिनल यू वॉन्ट टू एप एंड कॉपी वॉट दैट पर्सन हैज डन. बट सीजन टू आई वेंट विद द फ्लो ऑफ वॉट इंदु एज मी वुड वॉन्ट टू डू. क्यों, आपने भी काफी लंबी जर्नी करी है इंडस्ट्री में, काफी फिल्में करी हैं आप, एंड अब आप फिर से आ रही हैं, उसके साथ में काफी कम प्रोजेक्ट्स सब करते हैं, तो क्या रीजन है इसके पीछे के, मतलब काफी चूज़ी आप? नो, सो एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट्स सब जगह किए, राइट फ्रॉम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा टू एट फिल्म्स. सो समवेयर आई ऑलवेज गेट लॉस्ट इन बिटवीन, कि कभी किसको लगता है वो तो साउथ गई है, साउथ को लगता है वो इधर आ गई. सो उस कन्फ्यूजन में, बट लकीली नाउ OTT हैज कम, विच इज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म. आई मीन, आई एम नॉट सीइंग देयर आर मूवीज आर नॉट, बट इट्स जस्ट ओवरऑल जॉनर हैज चेंज्ड. आई एम हैप्पी टू प्ले कैरेक्टर्स नाउ, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो मैंने कभी नहीं, यू नो, प्ले किया है. सो आई एम हैप्पी टू गो स्लो एंड चूज क्वालिटी. सो एड फिल्म तो मेरे चालू ही रहते हैं, एड कमर्शियल्स. अभी इसके बाद आई सी वॉट एल्स. आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर वॉट द रिस्पॉन्स एंड हाउ पीपल हैव एक्सेप्टेड मी इन दिस कैरेक्टर फॉर मी टू कंसिडर नाउ डिफरेंट रोल्स. सो थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. आप लोग ने इतना प्यार दिया है सीजन वन को, प्लीज़ शावर अस विद मोर लव फॉर सीजन टू. वी प्रॉमिस यू दिस इज गोइंग टू बी एंटरटेनिंग, थ्रिलिंग, एज ऑफ द सीट ड्रामा, एंड यू आर गोइंग टू कम्प्लीटली एंजॉय इट. सो वॉच सोनी लिव 19th November, योर ऑनर. या थैंक यू, या इट वॉज सो प्लेजर टू मीट यू टू, बट प्लीज़ गिव मी योर रिस्पॉन्स फॉर सीजन टू. या